जय श्री राम। और फिर क्या हाल चाल है आप सभी का? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइस अभी मैं हूँ, एक मिनट थोड़ा आगे चल लिया जाए, यहाँ लाइट थोड़ी कमी है। मैं अभी हूँ न्यू अशोक नगर में, मतलब सामने की साइड है सेक्टर 15 का मेट्रो नोएडा। और मैं यहाँ किसी रिश्तेदार के घर पर आया था और अब जा रहा हूँ वापस अपने घर। मैंने सोचा, और आज पूरे दिन बिजी था सो व्लॉग बना नहीं पाया, तो मैंने सोचा मोटो ब्लॉग की वीडियो शूट कर ली जाए रात में। अभी रात के बज रहे हैं 11:03 और मौसम हो रहा है ठंडा। शर्ट पहन रखी है मैंने, स्लीव्स फोल्ड कर रखी है। मौसम ठंडा हो रहा है लेकिन फिर भी नॉर्मल है, मज़ा आ रहा है। और आज शाम में थोड़ी बारिश भी हो गई थी। दिल्ली के मौसम का कुछ भी भरोसा नहीं है गाइस, कभी बारिश हो रही है, कभी मॉर्निंग में ठंड लग रही है, रात में मच्छर काटते हैं, फिर पंखा भी चलाना पड़ता है। सो बड़ा अजीब सा मौसम हो रहा है। मार्च एंड हो चुका है और मौसम का कोई ज़्यादा पता नहीं है, ना तो ठंडी आई है अच्छे से, ना तो ठंड ही गई है अच्छे से, ना गर्मी आई है। लेना है लेफ्ट और हम सीधा निकल जाएंगे सेक्टर 12 की तरफ। एक बीच में भी रास्ता पड़ता है लेकिन ये थोड़ा लंबा पड़ता है, और मतलब रोड वगैरह सही है तो हम सही वाला रास्ता चूज़ करते हैं। ये आ गया सेक्टर 16 रजनीगंधा चौक। ऐसे यहाँ पे रजनीगंधा की फैक्ट्री है जिसके कारण इस मेट्रो स्टेशन का और इस जगह का रजनीगंधा चौक नाम पड़ा है। जो मेरे लेफ्ट में बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी आपको, दिखाता हूँ। लेफ्ट में जो बिल्डिंग है यही है रजनीगंधा चौक की। रजनीगंधा बिल्डिंग इसी के अंदर प्रोडक्शन होती है रजनीगंधा पान मसाला की। वो ऐड तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया। सो ये सब है बहुत ही ज़्यादा फालतू बातें, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ भी बोल देते हैं ताकि लोग खरीदें, और लोग भी पागल हैं सही में खरीद लेते हैं। सो सॉरी फॉर इंटरप्शन ही कहते हैं। एक गाइस एक कॉल आ गई थी जिसके चक्कर में हमारी बातों के बीच में थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, बातें बीच में रुक गई। ठीक है, मैं कह रहा था यार कार वर्ग का सिक्योर रहता है, डेंट वगैरह पड़ गया बच गई कार, लेकिन यार मतलब बंदा बच जाता है। बाइक वगैरह चाहे गिर गया पट गया, अगर सही जगह घिस गया, भगवान ना करे इनकेस तकड़ा गिरा है तो ऑन द स्पॉट डेथ भी हो जाती है। तो बाइक वगैरह में खतरा है तो भाई हमें तो अपनी सेफ्टी चलानी चाहिए ना। ये देखो हमारी नोएडा पुलिस तैनात है पेट्रोलिंग करने में, सैल्यूट है भाई सैल्यूट। गाइस क्या कहा था, जल्दी पहुंच जाएंगे देख लो। वहाँ तो हम 12:22 पहुंच गए, यहाँ से बस 1 मिनट की दूरी पे है। मुश्किल अभी हम पहुंच गए हैं 5 से 6 मिनट है ना। क्योंकि अभी रोड खाली है ना, रोड खाली मिलती है, रेड लाइट एक भी मिलती नहीं है तो हो गया ना फायदा। वी शुड हैव टू टेक अ लेफ्ट टू रीच अवर डेस्टिनेशन। योर डेस्टिनेशन इज लेफ्ट, प्लीज टेक अ लेफ्ट।
गाइस मैं आज आप लोगों को अपना स्कूल दिखाता हूँ। मेरा स्कूल यहीं है, यहीं बीता है मेरा बचपन से लेके स्कूल टाइम पूरा पूरा। ये जो ये लेफ्ट साइड है ये है सेक्टर 56 और ये राइट साइड जो है ये है सेक्टर 55। बस एक रोड का डिफरेंस है और हमारे लेफ्ट साइड में है 56 तो 56 में पड़ता है हमारा स्कूल सेक्टर 56 नवीडा। पहले ये है डीएवी पब्लिक स्कूल, इसके बाद है हमारा स्कूल वनस्थली जी की पब्लिक स्कूल, वनस्थली पब्लिक स्कूल सॉरी। ये रखो वनस्थली गार्डन गल अभी बैठे हैं कमल बैठ के। पूरा दिन ना मेरा रिश्तेदारी में ही चला गया, जैसे रिश्तेदार के घर पे गया था मैं तो वहाँ पे व्लॉग क्या ही करता, और वहाँ पे कोई मतलब सारे एजेड बंदे थे उनके बीच में व्लॉगिंग करता हूँ कितना अजीब लगता है क्या दिखाता हूँ। दस वाई मैंने व्लॉग नहीं करा, आज मैंने मोटो व्लॉग डाल दिया। यहाँ पर क्या हो गया, क्या हो गया, ट्रक अटक गई। बाइक वालों का फ़ायदा गाइस, गाइस बेसिकली यहाँ पे ना गोदाम है केले का, सो इसके चक्कर में यहाँ पे वो वाली बड़ी ट्रक आती रहती है। ये केले गांव से आते हैं दूर गांव। वो गाइस देखो कितने प्यारे पपी हैं।